आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब चलिए शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक ने अगर आपके फ़ोन की स्टोरेज सिस्टम की हालत ख़राब कर रखी है तो आप उसे कैसे ठीक करेंगे। आप सबसे पहले अपने फेसबुक का मैसेंजर को डिलीट कर दिए। अब देखते हैं हमें करना क्या है। एक एप्लीकेशन है हमिच, इसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ये आपको प्ले स्टोर में बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल है। तो ये बेसिकली ये है क्या, ये आप एक बेसिकली ये आपकी एक ऐप क्रिएटर है जो ये लाइट ऐप्स बना देती है, जो जिनका मिनिमम साइज़ कुछ MB में भी नहीं, कुछ उससे भी छोटा होता है, कुछ KBs में, जैसे 200 KB या फिर 300 KB। तो आप देख अब तो आप देख देख सकते हैं कि मैंने दो बना रखे हैं। मैंने अपना फेसबुक का एक ऐप कर रखा है, जीमेल का। इनका इंटरफेस बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे आप फेसबुक चलेगा ये बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा। आप चाहें तो इसमें डेस्कटॉप मोड वगैरह भी ठीक सिलेक्ट कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। जैसे कि मैंने ये, जैसे कि आप देखिए मैंने तो ये बदल दिया है। आप इसे जीमेल भी कर सकते हैं। तो अब देखिए मैंने एक यहाँ पे आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप उस पर क्लिक करिए और जो भी आपको जो भी आपको ऐप बनाना है उसकी लिंक इसमें दे दीजिए। जैसे मुझे फेसबुक का बनाना है तो मैंने www.facebook.com। अब जैसे YouTube, अब मुझे इसका बनाना है एक लाइट ऐप। तो हम देखते हैं, चलो नीचे से चलिए। आप यहाँ से अपने ऐप का नेम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे मैं अपने ऐप का नाम दे देता हूँ, तो इसने अब वो आपका पढ़ लिया है। अब आप डायरेक्ट क्रिएट पर क्लिक करें, शिखर वे एडिट टू स्क्रीन। अब आप देख रहे हैं क्रिएट, ये देखिए ये मैंने एक लाइब्रेरी एप्लीकेशन बना ली है जी, जहाँ पे आप बुक्स वगैरह रीड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग धमाकेदार और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, धन्यवाद।